हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं ज़रा इसको बंद करके आऊँ। सीरियसली, ये मुझे ना फिल्म नहीं करने देता। इसको हम बंद करें। सुकून का सांस आ गया। सीरियसली लगता है घर में ना अजीब सा सुकून आ गया जैसे मैं इसको बंद करती हूँ। तो जनाब, आज है मंडे का दिन। बच्चों का स्कूल का था आज, फर्स्ट डे आफ्टर वीकेंड। बच्चे स्कूल गए, फिर घर के काम शाम मैंने किए, वापस आ गए। तो अब हो रही है जी व्लॉगिंग। आज मैं ये बर्तन धो रही हूँ डिश वॉशर में। क्यों धो रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था, वैसे तो मैं हाथ पे बर्तन धोती हूँ, लेकिन एवरी यू कैन से 2 हफ्ते के बाद, कभी 1 हफ्ते के बाद, कभी 3 हफ्ते के बाद मैं ये डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ। क्योंकि उससे ये होता है कि डिश वॉशर अंदर से क्लीन भी हो जाता है और बर्तन भी सारे ना सैनिटाइज हो जाते हैं। तो ये देखें, बच्चे लंच वगैरह करके आए थे ना, तो ये बच्चों के लंच के बर्तन भी मैंने बीच में लगा दिए हैं, जो उनके कंटेनर्स होते हैं। तो ये देखें, अंदर से वैसे तो ये बड़ा क्लीन है, बड़ा शाइनी और चमकदार, लेकिन मुझे इसको, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मैं बर्तन धो के इसी के अंदर रख देती हूँ ना, तो फिर मुझे ये होता है कि इसको मैं आराम से सैनिटाइज कर दूँ, अंदर से एक शाइन भी आ जाती है। इसको हम चलाएँगे, उसके बाद घर के काम वगैरह हो रहे हैं जी, बाकी के भी आए। मैंने थोड़ा लेट सिलसिला स्टार्ट किया था क्योंकि मंडे का दिन भी आपको पता है मेरा बिज़ी होता है। ये क्यों नहीं बंद हो रहा? ये सही बंद हुआ कि नहीं हुआ? आई डोंट नो। चलें, ये हो गया और इसको हम चला देंगे। एक सेकेंड, इसको मैं चला लूँ। चल गया, आवाज़ सुनिएगा अभी आएगी आपको, पानी की आवाज़ आई है ना ड्रेन होने की, है कुछ इस तरह से। तो बस इसको हमने चला दिया, इसको रख देंगे हम वापस यहाँ पे। और दजाना के लिए मैंने, हमने कल रात को पिज़्ज़ा खाया था, पिज़्ज़ा नाइट थी, तो ये बॉक्स हमारा खाली। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ लेफ्ट ओवर कितना होता है। सेकेंड, ठहर जाए, अभी मैंने ना ये काम शाम करने हैं। तो ये देख लें जनाब, ये है जी हमारा लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा कल रात का। इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा हमारे पास लेफ़्ट ओवर है। हम दो लेते हैं ना, तो एक पूरा खाया जाता है और एक ये थोड़ा सा खाया जाता है, बाकी हमारा ये लेफ़्ट ओवर है, जिसको मैं अभी एक जिप लॉक में डालती हूँ क्योंकि मुझे काम करने हैं ज़्यादा सारे। ये देखें, ये काम इस जिप लॉक के अंदर मैं ये पिज़्ज़ा डालती हूँ, इसको हम रखेंगे जिप लॉक के अंदर। और ये फिर दजाना या बच्चे जिसने भी खाना होगा वो गर्म कर करके खा लेंगे। तो ठहर जाए, बल्कि मैं इसको जिप लॉक में डाल ही देती हूँ। यहाँ पर रखा कि मैं इसको जिप लॉक में डालूँ, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये ज़रा चेक करें, ये चेक करें, ये लाइट फिर बंद हो गई है। और मैं आपको सच में बताऊं, आज मैं सोच रही थी ये लाइट क्यों नहीं बंद हुई दोबारा से, लेकिन ये बंद हो गई है दोबारा। अब एक हमारी चल रही है, एक नहीं चल रही। मुझे नहीं पता इसका क्या प्रॉब्लम है, इस पे मैंने बात नहीं करनी, मैं करती हूँ मुझे डर आना शुरू हो जाता है। चलें, इसको करते हैं जनाब, हम जिप लॉक में हम इसको बंद करते हैं और फिर इसको रखेंगे। और फिर थोड़ा सा जो बाकी काम है वो करने हैं साथ में। आज मैंने क्या बनाया है जनाब, ये भी दिखा दूँ आपको। सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ये देखें। आज मैंने साबुत मसर बनाया, काली दाल मैंने बनाई है, तो ये काली दाल हमारी रेडी है। तो आज के खाने की हमारी होगी बचत। अभी कुछ और बनाऊंगे क्योंकि घर में सब लोग काली दाल नहीं खाते, तो मुझे कुछ और भी अभी बनाना है। मज़ेदार क्रीमी मैंने काली दाल बनाई है अपने लिए। अगला हफ्ता, जो आपको पता ना, मेरा नाश्ते का इसी के साथ गुजर जाएगा। चलें, अब इस पिज़्ज़े को हम पैक करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। इसको पैक कर देते हैं। ये पीस मेरा ख्याल है, इसको मैं निकाल देती हूँ और बाकी पीस को हम लोग इसके अंदर रखते हैं जिप लॉक में। तो ये जिप लॉक में 1 से 2 दफ़ा ना रीयूज़ कर लेती हूँ हर दफ़ा इसको मैं। ऐसा नहीं होता कि इसको फेंक दूँ। एक सेकेंड, मुझे नाइफ चाहिए होगी। हाँ जी, आगे जी ब्रश कुत्तर, चलो मैं आगे बनाते हूँ। उत्तर की टाइम हुआ है, चलो ठीक, बस मैं आंधी पे, ठीक है। ये देखें, ऐसे इसको मैं कट कर दूँ क्योंकि वो ठंडा है ना, तो जुड़ा पड़ा है आपस में पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा आप लोग कहते हैं, ये चिकन पिज़्ज़ा होता है, तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा इसके अंदर होता है, तंदूरी चिकन होता है इसके अंदर। ये मैं निकाल लूँ पीसेस, इसको हम डाल देंगे 1 by 1 ऐसे ऐसे। ये मेरी हर वीक की प्रैक्टिस है, जो पिज़्ज़ा बचता है वो इस जिप लॉक में चला जाता है। तो यहाँ से बच्चों को निकाल के मैंने खुद देना है, या बच्चों ने खुद गर्म करके खाना है वो खा लेते हैं बच्चे। चलिए, ये देखें, ये पूरा जिप लॉक जो है ना हमारा, वो पिज़्ज़े का बच गया।
तकरीबन पूरा पिज्जा ही होता है, एक या दो स्लाइसेस कम होते हैं। अगर हम एक भी लेना पिज्जा तो शायद हमारा पूरा आ जाएगा। हम इतना ही पिज्जा खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते, बहुत ज्यादा ज्यादा स्लाइसेस, थोड़ी चीजें खाते हैं, हर चीज खाते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके हम लोग खाते हैं। तो चलिए बस अब इसको रखते हैं फ्रिज में और उसके बाद हम करते हैं बाकी चीजें। आपको दिखाती हूँ कि आज बाकी हम दिन में क्या करने वाले हैं। तो बस जनाब अब हो रही है जी क्लीनिंग। क्लीनिंग मुझे करनी थी आज, पूरा दिन मैंने ऐसे ही गुजारा है। पहले थोड़े थोड़े काम किए, फिर बाहर भी गई, फिर घर आई, फिर क्लीनिंग की आई, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। क्योंकि मंडे भी थोड़ा ना मेरा डिफरेंट होता है, मंडे एंड जो होता है फ्राइडे, उसके अलावा पूरा वीक मेरा रूटीन बहुत सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, सेम चीज़ें सेम टाइम पे मैं एवरीडे करती हूँ। लेकिन ये इस तरह की जो क्लीनिंग है ना, ये चूल्हे को साफ़ करना या किचन काउंटर्स को क्लीन करना, ये तो सारा दिन चलता रहता है, मैं एक दफ़ा नहीं करती। आप यकीन करें, कोई मैं झूठ ना बोलूँ तो दिन में कोई 20 दफ़ा तो मैं साफ़ करती हूँ। मेरी बहुत बड़ी ये रूटीन है, हर वक्त मेरे हाथ में कोई ना कोई चीज़ होती है जैसे मैं ये क्लीनिंग कर रही होती। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हमें इस घर में, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो किचन शेल्फ्स वगैरह हैं वो सारे बहुत अच्छे बहुत क्लीन नज़र आते हैं। हालांकि आपको पता है हमारा जो खाना है वो इतना ख़तरनाक है, उसके अंदर होती है जी हल्दी, और वो कहीं पे उसकी जो छींटें जाती हैं ना तो फिर उसका रंग नहीं उतरता। और मेरे तो किचन काउंटर हैं भी वाइट, लेकिन ट्रस्ट में किसी सिर्फ कैमरा पे इतने क्लीन नहीं नज़र आते, हकीकत में भी आप देखें तो स्टेनलेस हैं, बिल्कुल क्लीन, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। अब एक काम किया तो साथ ही बच्चों को लग गई भूख, तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ बर्गर्स एंड चिकन पॉपिंस। ये उनका दिल कर रहा था तो मिकाइल ने बोला मैं बना के दे दें, मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें बना के दे देती हूँ। अभी उनके लिए थोड़े से स्नैक्स उनके लिए बनाऊँगी, और साथ उसके बाद अभी हम बाहर गए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बाहर जाके आज क्या लेके आए हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे काम तो दिन में सारा दिन चलते ही रहते हैं, कभी बाहर के काम कभी घर के, तो ये कामों का सिलसिला तो कभी भी एंड नहीं होता। तो चलिए मैं आपको ले कर जाती हूँ और दिखाती हूँ कि आज हम बाहर क्यों गए थे। चलें जनाब अब हम लोग वापस आ गए, बाहर गए थे और थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और अब हम वापस आए। हम क्यों गए थे बाहर, जिब्राइल ने पेंट्स लिए थे आपको याद होगा, और फिर जिब्राइल को अब पेंट ब्रशेस भी चाहिए थे। तो अभी हम गए हैं जी माइकल्स, माइकल्स ही है ना, मैं हमेशा माइकल्स एंड मार्शल्स को मिला देती हूँ। और हम लोग गए उसके साथ ही साथ डॉलरामा। टाइम हो चुके हैं जी शाम के 5, और अब जिब्राइल हमें दिखाने वाली है कि वो क्या लेके आई है। पहले जिब्राइल भी खा जरा माइकल सो चीजें लेंगे यानी। नो दिस इज ओनली थिंग। ओके 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 ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग आई बॉट एंड दिस इज अ ह्यूज पैक ऑफ पेंट्स, लाइक नॉट पेंट्स, पेंट ब्रशेस, सो आई कैन यूज ऑल दीस फॉर डिफरेंट स्टफ। ऐसे भी खा जरा इधर, ये देखें ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये डॉलर स्टोर के नहीं है, ये हमने लिए हैं जी माइकल से, और जिब्राइल ने ख़ुद पिक किए हैं कि अम्मा मुझे ये चाहिए। इसमें आप देख लें डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट तरह के हैं, और अब ये यूज़ करेंगे तो देखते हैं कि कितना इन्हेंस होती है इसकी ये आर्ट की जो है उसका लुक। चलो हों तो वो हमने लिए हैं जी माइकल से, और अब ये वाला सारा स्टफ़ जो है ना ये हम डॉलर स्टोर से लेके आए हैं। हाँ दिखा दे जिब्राइल, हाँ बस एक एक चाह के दिखा देना, ढेर इतना पे है। सिक्स And then we have 6 again. 6 mentos. And then next we have a paint palette, because I have this small paint palette from way before, and it's like it doesn't have much spots, so I thought this would be good. Yeah, it's a nice one. And he so a silicone, you know? Yeah, this is silicone. So apparently we're gonna break a. Are they becoming a hickman? And so we decided to buy these. ये जरा चेक करें, मेरा पुत्र इधर पकड़ा दे। ये जरा चेक करें, ये हम लोग लेके आए हैं और ये सिलिकॉन के हैं, एक पैक में 3 हैं, तो कुछ इस तरह की शेप के, कुछ इस तरह की शेप के। आपको पता है हम लोग कोई ज़्यादा बेकिंग शेकिंग घर में नहीं करते, जब बैबरस करती थी वो हो गई है बिजी, तो अब हमारे घर में बेकिंग नहीं हो रही। तो अब जिब्राइल का दिल था कोई कपकेक्स वगैरह बनाने पे, तो मैंने कहा चलो ये सिलिकॉन के लेते हैं, इसको अच्छे लगे देख के, मैंने कहा देख लेंगे कि कैसा होता है। कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं अच्छा इसमें लाइनर्स के बगैर ये कैसे इसमें से निकलेंगे, क्योंकि मैं बेकर नहीं हूँ, मुझे बेकिंग नहीं आती ना, मुझे बेकिंग की नो हाउ है, तो इसलिए मैंने जिब्राइल के कहने पर ले लिया। आप देखते हैं इसको यूज़ करके कि कैसा लगता है जिब्राइल को। और बस क्विक सा हमने एक ट्रिप किया है, ये ट्रिप करके लाए, इतना टाइम हो गया, अभी मैंने कॉफ़ी पे जाना है, कॉफ़ी मैंने भी नहीं पी है। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। ये तंग कर रहा था मुझे, शरारतें कर रहा था बैठ के,
अगर आपको ये ब्लॉग यू आर द बेस्ट हु सेड दैट शी सेड बिहाइंड द कैमरा दैट आई एम हर फेवरेट हां यस कदन जिब्राई मिकाइल तू सुता था ना ये पिया एग्जैक्टली 4:35 पीएम कितना बदतमीज है ये देखें ये ऐसे मजाक करता है इस मुंह के साथ जिसमें नजर भी नहीं आ रहा स्माइल तो चलें जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे हमसे मिलने हम मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा दुआओं में यार टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़